और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ। पिछले 25 साल से हम लोग 50 से ज़्यादा बीमारी पर रिसर्च कर रहे हैं जिसे हम बगैर दवाई के ठीक कर सकते हैं, जैसे कि ADHD, ऑटिज़म, अल्जाइमर, पार्किंसन, स्लो लर्नर, डिसलेक्सिया, डिप्रेशन, इंसोमनिया, सुसाइड थॉट्स, माइग्रेन, ऐसे 50 से ज़्यादा बीमारी है जिसे हम बगैर दवाई के ठीक करते हैं। आज हम बात करेंगे ADHD की, जिसके बड़े भी बोलते हैं अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ये बीमारी को अभी तक लोग न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम समझते थे या ब्रेन की डिसऑर्डर समझते थे, जो कि हमारा रिसर्च बताता है जरा भी नहीं है, क्योंकि कोई MRI रिपोर्ट में, कोई CT स्कैन में इसके बारे में कुछ नहीं आता है। मैं इसको डीप रूटेड एंग्जाइटी डिसऑर्डर मानता हूँ और या डीप रूटेड नर्वस ब्रेकडाउन मानता हूँ। अब ये बीमारी ज़्यादातर बच्चों को आती है और 2-5% बच्चे जो 15 साल के अंदर है उसको ये बीमारी आती है पूरे वर्ल्ड ओवर में। ये बीमारी उसी को आती है जिसकी माँ प्रेगनेंसी के टाइम पे या डिलीवरी के टाइम में बड़ी बेचैन रहती है, चिड़चिड़ी रहती है या स्ट्रेस में रहती है। ये घर में कलेश के कारण भी हो सकता है, डोमेस्टिक वायलेंस भी हो सकता है, कोई भी तकलीफ हो सकती है, मगर माँ का स्ट्रेस में रहना ज़रूरी है ये बीमारी आने के लिए। 25% वैसे बच्चों को बीमारी आती है जो मदर कोई कारण से ब्रीस्ट फीडिंग नहीं कर पाती है या ब्रीस्ट फीडिंग करते करते वो रोती है और उसका सब इमोशनल डिस्टर्बेंस बच्चे के अंदर जाता है। अभी तक का इसका ट्रीटमेंट मेडिसिन देते हैं, बेसिकली एंटी एंग्जाइटी पिल्स देते हैं, जो कि बहुत ही डेंजरस है, बहुत ही हानिकारक है। अगर ये बच्चे लंबे समय तक दवाई खाते हैं तो ADHD एक एक्सट्रीम है, यानी रेस्टलेसनेस एक एक्सट्रीम है, उसका दूसरा एक्सट्रीम है डिप्रेशन, और बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। ये बीमारी की अभी आगे रिसर्च की गई है कि इसका 3 लेवल है, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। माइल्ड यानी बहुत छोटा सा प्रभाव है, मॉडरेट यानी मीडियम है, और सीवियर यानी इतने ज़्यादा हाइपर एक्टिव है, इतने ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं कि किधर भी जाते हैं सब चीज़ उथल उथल कर देते हैं और किसी को शांति से बैठने नहीं देते। कोई भी मेडिसिन में इसका इलाज नहीं है, चाहे एलोपैथी हो, होम्योपैथी हो और आयुर्वेदी हो। और जबकि देखा जाया गया है कि ऐसे माएँ या बच्चों को कोई भी डॉक्टर लेके जाती है, वो सब उसको दवाई देते हैं और बगैर बीमारी को समझे दवाई देते हैं। ये शरीर की बीमारी है ही नहीं, और मेडिसिन का इतना हार्मफुल इफेक्ट है कि बच्चे पूरी ज़िंदगी भर सफ़र करते हैं वो दवाई के कारण। तो जो दवाई लेते हैं उनको 2 सफरिंग होती है, एक ADHD की सफरिंग और दूसरी दवाई की सफरिंग। अभी माँ बाप गलती क्या करते हैं, ये माँ बाप ऐसे बच्चों को स्कूल में भेजने के बड़ी वाकुल होते हैं, वो स्पेशल स्कूल ढूंढते हैं, क्योंकि नॉर्मल स्कूल उनको लेती नहीं है, तो स्पेशल स्कूल ढूंढते हैं और उनमें ऐसे बच्चों को डालते हैं। जबकि देखा जाए तो स्पेशल स्कूल चलाते कौन है, जिनके खुद के बच्चे ADHD या ऑटिज़म के बच्चे थे, वैसे पेरेंट्स ने स्कूल चालू कर रखी है। ऐसे बच्चों को स्कूल में भेजना ही नहीं चाहिए 15 साल की उम्र तक, मगर मेरे को मालूम है कोई भी माँ बाप मेरी बात से सहमति नहीं होंगे और बच्चों को डैमेज करेंगे। ऐसे बच्चों को 15 साल तक जो करना है वो करने देना चाहिए, जो चीज़ में उसको खुशी मिलती है वो करने देनी चाहिए। अगर उनको TV देखने में खुशी मिली तो TV देखने देना चाहिए, अगर उनको कोई गेम खेलने में खुशी मिली तो गेम खेलना चाहिए। जितना कमती हम बच्चे को डिस्टर्ब करेंगे उतना यह बच्चा जल्दी रिकवर होएगा। ये बच्चों में मेजर 3 सिम्टम देखे जाते हैं, 3 कैटेगरी है सिम्टम के। पहला सिम्टम है इनअटेंशन, यानी कंसंट्रेशन का प्रॉब्लम, यानी डिस्ट्रैक्शन का प्रॉब्लम। दूसरा है हाइपर एक्टिविटी, यानी रेस्टलेसनेस। तीसरा है इम्पल्सिव, यानी लैक ऑफ पेशेंस। ये 3 मेजर कैटेगरी है, उसके नीचे बहुत सारे सिम्टम दिखते हैं जो ब्रॉडली ये 3 कैटेगरी में आते हैं। मैं आज के कॉन्टेक्स्ट में अगर ये बीमारी को डिस्क्राइब करूँ तो ऐसे बच्चों की हार्ड डिस्क एकदम फुल है, बहुत से वायरस है उनकी हार्ड डिस्क में, और हमें एंटीवायरस डालना पड़ेगा और या नया सॉफ्टवेयर डालना पड़ेगा या हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करना पड़ेगा। ऐसे लोग इतने भरे हुए हैं दुख से, दर्द से, कि उन लोगों ने अपने आप को कट ऑफ करके रखा है दूसरे की दुनिया से, दूसरे की बात वो सुनते ही नहीं है, और जब उनका खाली नाम लिया जाए तो थोड़ा सा लोग अटेंशन देते हैं। हमने एक नया टेस्ट डेवलप किया है जिसका नाम हमने माइंड मैपिंग रखा है, जो इतना ट्रांसपेरेंट है कि वो आधे घंटे बता देता है कि ये ADHD का कारण क्या है। जो ये टेस्ट माँ बाप का भी लिया जाता है और बच्चे का भी लिया जाता है।
और जो 50 कारण निकलते हैं बीमारी के, उसको हम एक एक करके डील करते हैं और उसको निकालते हैं। ये तरीके से 75% से ज़्यादा ADHD पेशेंट को हम लोग सक्सेसफुल है ठीक करने में, और इसको 1 से 3 साल लगता है, क्योंकि ADHD बच्चे बहुत ज़्यादा रेस्टलेस होते हैं, एक जगह बैठते नहीं है, इसलिए उनको बहुत टाइम देना पड़ता है और इसको समय लगता है ठीक होने में। ADHD की बीमारी अगर हमारे पास नहीं आए तो ये बीमारी ठीक नहीं होती है, और 60 साल तक आदमी डिस्टर्ब रहता है, उसकी शादी भी नहीं होती है, शादी होती तो टूट जाती है, घर में अशांति रहती है, वो बड़ा होके भी वो चलता रहता है, घूमता रहता है, सोचता रहता है और डिस्टर्ब ही रहता है, हर काम स्लो करता है वो, और उसका कॉन्फिडेंस कभी भी अच्छा नहीं रहता है। ऐसे बच्चों के बड़े बिहेवियर इश्यू रहते हैं, इनको किधर भी हम सोशल फंक्शन लेके नहीं जा सकते हैं, किधर भी ग्रुप में लेके नहीं जा सकते हैं, ये कोई भी बच्चे को काट लेते हैं, मार देते हैं और अशांति करते हैं, चीज़ों को उठाते हैं, इधर से उधर करते हैं सब जगह, ये बेसिकली अपने माँ बाप का अटेंशन 24 आवर्स चाहते हैं, इसके लिए इसको बोलते हैं अटेंशन डेफिशिट। इनको अटेंशन में डेफिशिएंसी रही है एक समय, तो भी ये पूरा समय माँ बाप का अटेंशन चाहते हैं, और कुछ ना कुछ बेवकूफ़ी करेंगे, कुछ ना कुछ तोड़फोड़ करेंगे ताकि माँ बाप और कुछ नहीं कर सके, खाली इनको देखें। ADHD 100% क्योरेबल नहीं बोलूँगा, मगर 90% क्योरेबल गारंटेड बोलूँगा। जितने पेशेंट आते हैं उसमें से 100% पेशेंट को 70% ज़्यादा फ़ायदा होता है, मगर 100% पेशेंट क्योर नहीं होते हैं, क्योंकि इसमें क्या है, माँ बाप का भी कोऑपरेशन चाहिए इसको ठीक करने के लिए, मगर फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है ये पेशेंट को। 70% ज़्यादा लोग ADHD से बाहर निकल सकते हैं 1 से 3 साल में, कोई बायोलॉजिकल बेसिस नहीं है। माँ बाप की प्रेगनेंसी के टाइम पे जो स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहता है, एंग्जाइटी रहती है, बेचैनी रहती है, वो ट्रांसफ़र होता है। इसलिए देखा गया है कि कभी कभी दो बच्चे होते हैं तो एक बच्चा को ADHD होती है, दूसरा बच्चा एकदम नॉर्मल होता है। इसकी सीवियरिटी अलग रहती है, इसकी 3 कैटेगरी की गई है, एक माइल्ड ADHD, एक मॉडरेट ADHD और एक सीवियर ADHD। माइल्ड तो 100% ठीक होता है, मॉडरेट भी मैं बोलूँगा 75-90% ठीक होता है, जो सीवियर रहता है उसका चैलेंज रहता है पहले 3 महीने का, क्योंकि बच्चा ज़रा भी कोऑपरेट नहीं करता है, ज़रा भी सुनता नहीं है, तो उसको टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। ये बॉयज़ को बीमारी ज़्यादा होती है गर्ल्स के कंपैरिजन में, क्योंकि गर्ल्स बेसिकली पेशेंट होती है, गर्ल्स में बेसिकली पेशेंट ज़्यादा रहता है, और बॉय बेसिकली रेस्टलेस होते हैं, तो ये बीमारी के कारण रेस्टलेस उनका और बढ़ जाता है, और ये बॉयज़ को ज़्यादा होती है बीमारी 100%। जितने भी एडी बच्चे में, मैं एक साल में कम 500 बच्चों को देखता हूँ, 500 के बच्चों के पेरेंट्स के लाइफ में डिस्टर्बेंस रहा है प्रेगनेंसी टाइम में और डिलीवरी के फर्स्ट 2 साल में। दे आर मेंटली इल एंड दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग, बट उनको खाली अटेंशन चाहिए, इसलिए कुछ भी कंस्ट्रक्टिव नहीं कर सकते, इसलिए डिस्ट्रक्टिव करते हैं। और बेसिकली हर आदमी को अटेंशन चाहिए, कुछ लोग कंस्ट्रक्टिव करके अटेंशन लेते हैं, कंस्ट्रक्टिव काम करके, कुछ लोग डिस्ट्रक्टिव काम करके अटेंशन। पेरेंट्स की लाइफस्टाइल तो इतनी इफेक्ट होती है अगर ADHD बच्चा है तो, कि जब तक वो मरेंगे नहीं तब तक वो शांति से नहीं जी सकते, और उसके मरने के बाद में बच्चे शांति नहीं जी सकते। ये बीमारी बचपन में आती है, मगर ये एडल्टहुड तक मरते समय तक ये बीमारी का कुछ तो कुछ अंश शरीर में रह जाता है। मैंने 40 साल का भी एक देखा है बच्चा जिसको ADHD था, वो आज भी इतना रेस्टलेस है और चलता रहता है, इनडिसीसिव है और रॉन्ग क्वेश्चनिंग करता है, रॉन्ग फोकस करता है, और बेसिकली लाइफ में डिस्टर्ब है। जो भी काम करता है 2 घंटे को काम को वो 6 घंटा लगाता है काम करने के लिए। उसके फैमिली मेम्बर भी डिस्टर्ब है, सभी लोग उससे डिस्टर्ब है, और ऐसे लोगों की शादी भी सक्सेसफुल नहीं होती है। और अगर बच्चे पैदा हो जाते हैं तो बच्चे को भी कोई ना कोई मेंटल इलनेस आती है, इसलिए सही रहेगा कि ये ऐसे बच्चों को जितनी जल्दी लेके आवे, 10 साल के अंदर के अगर बच्चे आते हैं ADHD के तो वो गारंटेड ठीक होते हैं, और जैसे उम्र बढ़ती है वैसे डिफ़िकल्ट होता है इनको डील करना, क्योंकि फिर वो प्यूबर्टी आ जाती है, सेक्स के ख्याल आ जाते हैं, और वो बहुत ही एम्बरेसिंग काम होता है उन लोगों की फैमिली में, बहुत ही एम्बरेसिंग सिचुएशन होती है इन लोगों की फैमिली में, क्योंकि वो रेस्टलेस रहते हैं, वो लड़कियों को छेड़ देते हैं, नेबर की लड़कियों को, और बहुत सी कंप्लेन आती है सोसाइटी मेम्बरों की। मैं एक बार फिर से बोल दूं, मेरा जो तरीका है ADHD को ठीक करने का,
उसमें मैं 75% से ज़्यादा लोगों को मैं ठीक कर रहा हूँ, और ऐसा एक भी पेशेंट नहीं आया है जिसको मैंने 60-70% से ज़्यादा फ़ायदा नहीं दिया है। और ये बीमारी अभी ठीक होती है, और ये न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, ये ब्रेन डिसऑर्डर नहीं है, ये गॉड गिवन गिफ्ट नहीं है, ये पेरेंटिंग की गलती हुई है और इसके कारण बीमारी आई है और ये ठीक हो सकती है। मगर इसमें बहुत पेशेंस रखना पड़ता है, बहुत समय देना पड़ता है और बहुत खर्चा होता है। मेरा नाम सी.ए. कैलाश मंत्री है, मैं मुंबई से हूँ, लाइफ कोच हूँ और मेंटल हेल्थ का कंसल्टेंट हूँ।